सब्सक्राइब करें हमारे स्टेट मीडिया चैनल को, देखिए देश विदेश की बड़ी खबरें। उत्तर प्रदेश में पुरानी पेंशन व्यवस्था होगी बहाल। राजस्थान में पुरानी पेंशन हुई बहाल। कर्मचारी शिक्षा 100% करें मतदान। कर्मचारी शिक्षा अपना वोट पुरानी पेंशन व्यवस्था को देकर स्वयं ताकत बने। वाराणसी 28 फरवरी 2022। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, 5 चरण संपन्न हो चुके हैं। आज लखनऊ से हरी किशोर तिवारी, प्रदेश अध्यक्ष शिवरण सिंह यादव, महामंत्री राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद एवं कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष सुशील त्रिपाठी। उसके बाद उन्होंने बोलना भी शुरू किया और सबसे ऊपर हमारी मैनिफेस्टो में लिया कि भाई हमारी सरकार आएगी, आप जब देखेंगे उनके उसको, वो कह रहे हैं कि मैं हर हालत में उसको पूरा करूँ। और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण ये है कि जैसे ही बात शुरू हुई है वैसे राजस्थान सरकार, जहाँ पे चुनाव भी नहीं हो रहा है, जहाँ पर कोई दबाव भी नहीं, जहाँ हड़ताल भी नहीं हो रही है, वहाँ उसको लागू कर दिया गया। तो देश का पहला बड़ा स्टेट बना है जिसने पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू किया। तो अगर वो लागू कर सकता है तो उत्तर प्रदेश सरकार क्यों लागू करे, हमारी बात क्यों नहीं सुनी, सीधी सी बात। तो हम लोग इस पर लगे हुए हैं कि हम लोग ये काम करें। जनता में इस बार आप लोग क्या जोश भर रहे हैं जागरूकता को लेकर? नहीं, जनता से हमें कोई मतलब, जनता से कोई मतलब, हम लोग अपने लोगों में, अपने कर्मचारी से, अपने कर्मचारी से ही बात कर रहे हैं। जी उन्हीं को अपना संदेश जी, थैंक यू। पूरा परिचय बताएं। हरिकिशोर तिवारी, प्रांतीय अध्यक्ष राज कर्मचारी। आज ये किस तरीके का मतदाता जागरूकता अभियान का प्रोग्राम यहाँ रखा गया? जनजागरण अपना कर रहे हैं। सरकार की मंशा है, हमारी मंशा है कि हमारे लोग वोट डालें। और कर्मचारी शिक्षक पहले जो चुनाव में ड्यूटी लगती थी वो लोग वोट नहीं डालते, बहुत कम परसेंटेज वोट डालते, लेकिन इस बार हम लोगों ने ये चलाया है अभियान पूरे प्रदेश में, तो इसके कारण लगभग 80 और 90% वोट हमारा पड़ा है। एक तो बात यह है, लेकिन इस बार का जो रिजल्ट आ रहा है वो 60 से ऊपर नहीं जा पा रहा है। अभी जाएगा, जहाँ भी और रह गया इलेक्शन वहाँ और आगे बढ़ेगा। हम लोग अभी गाजीपुर से आ रहे हैं, वहाँ 70% कल तक पहुँच चुका है, तो अभी बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। वो जनपद हुए होंगे जहाँ नहीं हुआ है, लेकिन 60% 70% भी जा रहा है, तो ये पहली बार हुआ जी। अभी तक इतना भी नहीं जाता, 10-20% जाता था। तो हम लोग आगे बढ़े हैं। हमारी बहुत बड़ी समस्या है पुरानी पेंशन व्यवस्था की। पुरानी पेंशन हमारे लोगों को नहीं मिल पा रही है जो लगभग 2005 की बात की गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा पैसा काटा जाता है तनख्वाह में से, और वो पैसा शेयर मार्केट में लगा रही है सरकार। शेयर मार्केट में लगाने का मतलब है वो जुआ खेल रही है। अब तमाम सारे कागज भी आपको देंगे, उसमें आपको दिखाई पड़ेगा कि 20 बार कंपनी डिफॉल्टर हो गई, LIC और यूनिट टेस्ट का आपने सुना होगा, उसके बाद भी पैसा वहाँ के अधिकारी उसी में लगा रहे हैं। तो भाई कहीं आप दोस्ती निभा रहे हैं इसका, तो दोस्ती निभाने में हमारा बढ़ावा क्यों खराब हुआ? बराबर सरकार में कमेटी बनी, IAS साथ मैंने हम भी उसमें रहे कमेटी में, उसमें निर्णय हुआ कि भाई ये दिया सकता है, उसके बाद भी आज तक दिया नहीं। तो हम लोग परेशान हो गए। अभी हमने देखा कि जब किसान आंदोलन हुआ तो सरकार ने कहा कि हम आपका भविष्य तय करेंगे, और IASO ने मिलकर वहाँ भविष्य तय कर दिया कमरे पर, जबकि समस्या किसानों की थी तो उनके साथ मिलकर तय करनी चाहिए। इसी तरह हमारी समस्या है तो हमारे साथ मिलकर तय करनी चाहिए। क्या ये सरकार आपकी समस्या को हल नहीं किया? नहीं, ये सरकार पूरी की पूरी IAS चला रही है। ये सरकार राजनेता नहीं चला रहे, बार बार कहूँगा ये राजनेता नहीं चला रहे। इसीलिए हमारी बात वहाँ तक पहुँचती जरूर है, लेकिन पहुँचने के बाद भी हमारी बात सुनी नहीं जाती, उसका निस्तार नहीं होता, वो चीज़ धरातल पर नहीं आ पा रही। तो क्या आप बहिष्कार करेंगे वोट का? नहीं, हम लोग वोट डाल रहे हैं, हम लोग वोट डाल रहे हैं। और जो OPS की बात करेगा, ओल्ड पेंशन स्कीम की बात करेगा, हमने सारी पार्टियों से बात की, जितनी पार्टियां उत्तर प्रदेश में ताकत में हैं उन सबसे बात की। तो जो ओल्ड पेंशन की बात कर रहा है हम उसके साथ जा रहे हैं, पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम उसके साथ वोट डाल रहे हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से तो डालूंगा उसको। तो इस तरह से जब किसान आंदोलन वापस हो सकता है, किसान आंदोलन वापस के बाद उनकी मांग पूरी हो सकती है, सिर्फ वोट बैंक देखने के बाद में। तो हमने देखा कि वोट बैंक के बिना काम चलेगा नहीं। हम लोग धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, रैली करेंगे, 3 लाख की रैली अभी हम लोगों ने लखनऊ में की थी, तो यही सब करेंगे, उसके बाद भी सुनने वाला कोई नहीं। तो अब की बार हम लोग राजनीतिक निर्णय कर रहे हैं क्या हम लोगों ने कि भाई जो पेंशन स्कीम की बात करेगा हम उसको वोट देंगे, हार जीत से कोई मतलब। अपना नाम बता दीजिए। शशिकांत श्रीवास्तव, जिला अध्यक्ष राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद वाराणसी। आज किस तरह का ये प्रोग्राम किया? देखिए, इस प्रोग्राम का मकसद ये था कि मतदाता जागरूकता कार्यक्रम था, कि कर्मचारियों में इस बात का उत्साह हो कि सब परिवार और 100% अपना मतदान का प्रयोग करें, जिसके लिए हमारे राज्य कर्मचारी संघ परिषद और अधिकार मंच की पूरी टीम पूरे प्रदेश के भ्रमण पर है। उस प्रदेश भ्रमण के क्रम में आज वाराणसी में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस मुद्दे पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप जानते हैं कि कर्मचारियों की एक जो राष्ट्रीय मुद्दा है पुरानी पेंशन बहाली, इस पर अधिकारी लोग हमेशा नकारात्मक रुख अपनाए, सरकार के चाहने के बाद भी ये लोग हमारी मांग को आसान नहीं किए। इस बात का प्रमाणिक है कि विगत दिनों मुख्य सचिव द्वारा ये इस बात का कहा गया था हमारे शीर्ष नेताओं को कि
कर्मचारी संतुष्ट है एनपीएस से, नई पेंशन स्कीम से। आप लोग बरगला रहे हैं कर्मचारियों, क्योंकि सरकार के पक्ष में इतना मतदान पड़ा हुआ है। आप जानते हैं पोस्टल बैलेट कर्मचारियों का ओपन होता है, बाद में काउंटिंग ठीक जाती है जी। तो इससे कर्मचारी अब उत्साहित है कि हमने एक सरकार, एक दल के सरकार को तीन तीन अवसर दिए, 2014 में अवसर दिया, 2017 में दिया, 2019 में दिया। इनके द्वारा ये कहा गया था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम पुरानी पेंशन पे बात करेंगे, लेकिन दुख इस बात का है कि ये सरकार को आपकी पेंशन को बहाल नहीं किया, तो क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या वोट का बहिष्कार करेंगे? नहीं, बहिष्कार में अपने मत का प्रयोग करेंगे, और ये बात आप स्वयं देख गए हैं इस बात से कि हमारी मांग पूरी नहीं हुई है। आखिर कोई न कोई राजनीतिक दल इस बात का समर्थन कर रहा है, पूरे हिंदुस्तान में सारे राजनीतिक दल समर्थन कर रहे हैं, तो कर्मचारी का जो साथ देगा हम उसके साथ। धन्यवाद।